नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। इस टाइम जो बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, देखिए इस टाइम आपके बर्ड्स सर्दी में जो है ठंड से कह सकते हो, या प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, या बर्ड्स की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक है कि वो ठंड की वजह से एक कोने में फूल करके सुस्त होकर के बैठे जा रहे हैं। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। उसमें हमारे पैराकिट्स भी आ गए, पिजन्स भी आ गए, या और जितने जो बर्ड्स हैं घरों में पालते हैं, सब पे ये अक्सर सर्दियों में प्रॉब्लम आती है। उसका रीज़न तो ये है कि जब टेम्परेचर डाउन जाता है तो ऑटोमेटिक बर्ड्स की इम्यूनिटी भी वीक होती है। हम इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए पूरी सर्दी में, एक तो देखिए बर्ड्स को ठंड से बचाने के लिए उनका जो एवेरी का टेम्परेचर है वो मेंटेन कीजिए, 22 से 24 उसका टेम्परेचर होना चाहिए। वो आपने कैसे मेंटेन करना है, बल्ब लगा करके मेंटेन कर सकते हो, या हीटर लगा करके या ब्लोवर लगा करके आप रूम का टेम्परेचर मेंटेन कीजिए। और इस टेम्परेचर को देखने के लिए आपके रूम में एक स्क्रीन होना चाहिए जिसपे कि आप टेम्परेचर मेंशन होना चाहिए कि आपके रूम्स की ह्यूमिडिटी कितनी। ह्यूमिडिटी 50-60% होनी जरूरी होती है। हम खाली टेम्परेचर की तरफ ध्यान देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी की तरफ ध्यान दें, जबकि ह्यूमिडिटी भी बर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आपके बर्ड्स में आपने ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं करी, ह्यूमिडिटी का क्या नुकसान होता है बर्ड्स को देखिए। आप एक इस तरह की डिवाइस लगा रहे हो कि आपका रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि उस रूम के अंदर जितना जो मॉइस्चर कमरे में मौजूद है उस डिवाइस से आप वो आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके साथ साथ जो बर्ड्स मौजूद है उसकी बॉडी का वाटर भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बर्ड्स की स्किन में जो है ड्राइनेस, पपड़ी आपको नजर शुरू आएगी, बिल्कुल जैसे डेंड्रफ टाइप का हो जाएगा, ये सब जो है ह्यूमिडिटी मेंटेन ना करने की वजह से ही होता है। जब एक बार ये स्टार्ट हो गया है तो बर्ड्स क्या करेगा, जब बर्ड्स को खुजली होगी तो बर्ड्स क्या है अपने आप को केज के ऊपर रगड़ना शुरू कर देगा, अपनी बॉडी को, अपने फेदर्स को, अपनी बीक से वो इतनी ज़्यादा खारिज करेगा कि वो पूरे शरीर पे जख्म बना ले। हमें ऐसे में करना क्या है, हम थोड़ा इसमें एक तो जो रूम्स की ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करेंगे। आप उसमें थोड़ा सा 3-4 बर्तनों के अंदर पानी भर करके रूम में आप रख दीजिए, ताकि ऑटोमेटिक एनवायरमेंटल में जो मॉइस्चर है वो ऑटोमेटिक वो बूस्टअप होता रहे, क्योंकि आपकी जो डिवाइस है वो उस मॉइस्चर को जो सक कर रही है उसकी जो कमी है वो वहाँ से पूर्ति होती है। यानी रूम का टेम्परेचर, जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो मेंटेन रहे, और बर्ड्स में भी जो धीरे धीरे जो उसके शरीर से जो पानी सक कर रहा था टेम्परेचर बढ़ने से ऑटोमेटिक वो भी स्टॉप हो जाए। अब आप क्या कर सकते हो, बर्ड्स को यदि बर्ड्स ने चोंच मार मार के आपके शरीर पे पूरे पे इंजरी कर ली, जख्म बना लिए, तो उस पर बीटाडिन से क्लीन करके थोड़ा सोफ्रामाइसिन क्रीम आप लगा सकते हो। यदि ड्राइनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें कोई जख्म नहीं है, तो आप उस पर हल्का हल्का नारियल का तेल आप उसको गर्म करके कॉटन से उसको थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। उससे क्या है, उसकी स्किन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी, जो एक ड्राइनेस उसकी जो स्किन शुष्क हो रखी थी, तो आपका बर्ड्स उस पर बेटर फील करेगा। खाने में विटामिन ए ज़्यादा दीजिए और ऐसी चीज़ें दीजिए जिसमें ऑयल की कंसंट्रेशन ज़्यादा, ऑयल परसेंटेज ज़्यादा हो। सीड्स में जो है आप जो है उसको, जैसे हमारे पास सरसों के जो दाने होते हैं आपको पता है उसके अंदर ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, आप अपने बर्ड्स को खाने को दीजिए ताकि उनके शरीर में जो ऑयल की जो कमी हुई है, ड्राइनेस जो आई है, उससे थोड़ा बहुत उसकी पूर्ति हो सके, और आपका बर्ड जो खारिज करे जा रहा है बार बार ऑटोमेटिक वो करना बंद कर दे। इस प्रकार आप अपने बर्ड्स को, आप ये कह सकता हूँ कि खुजली जो सर्दी में अक्सर एक मेन रीजन्स होता है बर्ड्स में डेंड्रफ होने का, या तो इस तरह आप अपने बर्ड्स को डाइट में ये सब चीज़ें दे करके आप उसको रिकवर कर सकते हैं। दूसरा जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बर्ड्स के अंदर आती है कि हम अपने बर्ड्स का केज क्लीन नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि पानी डालेंगे बर्ड्स गीला होगा, ठंड से ज़्यादा बीमार होगा, और हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि गंदगी की वजह से हमारे वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कैनल या आपके केज या एवेरे के अंदर होगा। उसमें क्या है, बैक्टीरिया या मच्छर ग्रो अप करने शुरू होंगे, और आप ये मान के चलिए जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है जब मच्छर बनता है तो ऑटोमेटिक ये बर्ड्स में पॉक्स, चेचक आपके सबसे पहले स्टार्ट होता है बर्ड्स के पंजों में, क्योंकि उसके जब नीचे सब कुछ गंदा है तो बर्ड्स उसी में बार बार अपने पंजे रखता रहेगा, वहाँ से इन्फेक्शन चालू होगा, अब वो धीरे धीरे
उसके मुंह के ऊपर चला जाएगा, फिर मुंह से पूरे उसके आईज में चला जाएगा, पूरे माउथ के अंदर तक चला जाएगा। इस तरह जब पॉक्स का लीजन से एक बार हो जाता है तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक पूरी बॉडी पर स्प्रेड होना शुरू होता है। इसलिए पॉक्स का भी आप ध्यान रखिए कि आप अपने बर्ड्स को इस गंदगी को साफ करके, यानी हाइजेनिक कंडीशन, साफ सफाई का आपने विशेष ध्यान रखना है बर्ड्स का, ताकि आप पॉक्स को आप बचा सकें। और पॉक्स का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके जो लीजन्स हो जाते हैं तो उसको बीटाडीन से क्लीन करके आप उस पर नियोस्पोरिन स्किन ऑइंटमेंट होता है वो लगा दीजिए, ताकि आप अपने बर्ड्स को पॉक्स से बचा सकें। दूसरा, आप एंटीबायोटिक भी आप दे सकते हैं एंटीबायोटिक, क्योंकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी जो जख्म हुए है उसमें आगे फर्दर कोई इन्फेक्शन ना बढ़े, वो वहीं पर सूख जाए। उसके लिए आप पीने के पानी में लिक्सन पाउडर आप अपने इस तरह के बर्ड्स को दीजिए, ताकि आप अपने बर्ड्स को वहीं पर रिकवर कर सके। उसके पॉक्स के लीजन्स की डेली ड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो रिकवर करेंगे। और पॉक्स के बर्ड्स को सेपरेट जरूर कर दीजिए, यदि आपको लगता है कि सारे केजेस में दो चार बर्ड्स हैं उनको सेपरेट करें, उनका ट्रीटमेंट कीजिए। नहीं, ये बीमारी छुआछूत की तरह होती है, यदि एक बर्ड्स में हो जाती है तो सारे बर्ड्स में फैलनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करना, बर्ड्स को इमिडिएटली आइसोलेशन में डालना और उसका ट्रीटमेंट चालू कर देना। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो आज जो दो टिप्स दिए हैं कि आप अपने बर्ड्स को सर्दियों से कैसे बचा सकते हो, आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।